बस गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे आप सब लोग, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल। सो गाइस, सुबह से ना कंटिन्यू बारिश हो रही थी और अभी टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट, क्या टाइम होगा, 11 बज गए गाइस। और रात से ना हमारे लाइट भी थी तो बारिश से बहुत बुरे हाल हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो नाला है कितना भयंकर आया हुआ है, और ना इस नाले की वजह से और बारिश की वजह से बहुत सारा नुकसान भी हुआ हमारे पड़ोस में भी। मैं गया था वहाँ तो उनके ना घर के पीछे स्लाइड आ गया बहुत सारा, तो लेंटर बच गया थोड़ा थोड़ा, बाल बाल बच गया। तो मैं नहीं बता रहा था आपको वहाँ का सीन, क्योंकि गाइज मेरे जो फ़ोन में थी चार्जिंग नहीं थी, तो कल से हमारे लाइट भी थी रात को, तो अभी लाइट आई, अभी मैंने फ़ोन चार्ज किया। तो बस अभी का ये देख सकते हैं आप अभी। गुड मॉर्निंग गाइज, राधे राधे। हम बना रहे हैं अपने ईस्ट कोल्ड के लिए एक सुमन का फूल। सो गाइज, मैं ना आज सुबह उठा हूँ 5 बजे का, तो 5 बजे के बाद जो मैंने है यहाँ, मैं आपको बताऊँगा, कल होम है लक्ष्मी नारायण जी का, तो उनके लिए एक हमारे गांव से एक खास फूल जाता है सुमन का फूल, उसको बनाने की एक विशेष प्रक्रिया होती है, उसको कैसे बनाया जाता है तो मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले मैं अभी हूँ, देख सकते हैं आप, सुमन का ये जो पेड़ है, तो यहाँ से ना ये जो कलियाँ होती है इनको तोड़ना पड़ता है, एक एक कलियाँ ऐसे, तो बहुत सारी तोड़नी पड़ती है कलियाँ। फिर उसके बाद जंगल जाना पड़ता है, जंगल से ये देख सकते हैं आप, ये जो चीड़ का पेड़ होता है उससे इसको निकाला जाता है ना, फिर इसमें इनको पिरोया जाता है। ये बहुत तगड़ी प्रोसेस होती है, और ये जो प्रोसेस करने के लिए आपको बिल्कुल सुबह से कुछ खाना नहीं पड़ता जब तक आपने ये जो फूल है तैयार नहीं किया हुआ। अभी मैंने बना के लाया था इसको, मुझे लग रहा कि थोड़ा सा छोटा हो गया ये फूल, तो तब करके इसको ना फिर से मैं बनाऊंगा, और जाना पड़ेगा फिर से जंगल में, जंगल से फिर से लाना पड़ेगा एक और, तो कुछ ऐसा सीन होता है गाइस। और मैं ना सुबह 5 बजे का उठा था, फिर उसके बाद ना ऐसी बारिश लगी थी, ऐसी बारिश लगी थी कंटिन्यू बारिश, और मैंने बारिश में ही जो सुमन की कलियाँ हैं उनको तोड़ लिया था, क्योंकि हमारे ना सुमन के 3-4 पेड़ है, तो और जितने भी गाँव वाले यहाँ सुमन लेने के लिए आते हैं, तो 3-4 लोग अभी ले भी गए, तो अभी फिर ख़त्म हो जाती है। तब करके मैं जल्दी सुबह 5 बजे उठा था, उस चक्कर में जल्दी जल्दी सारा काम निपटा लिया था। तो अब मैं बताऊंगा आपको कि इसको कैसे बनाते हैं गाइस। हमारा ना फाइनल फूल जो है ये थोड़ा छोटा हो गया था, हम इसको नेगलेक्ट कर दिया और इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, तो ये वाला बनने जा रहा है। अब इसको मैं बताऊँगा कैसे अब इसको बनाएंगे। सबसे पहले ये जो इसकी बाहर की चमड़ी होती है इसको निकाला जाता है पूरा, ये देखिए प्रवीण बड़े ध्यान से देख रहा है ना, आने वाले जनरेशन को देखना चाहिए आगे का फूल। सही सही बात है, क्योंकि ये जो हमारा फूल है ये काफ़ी टाइम से जाता है, हमारे बुजुर्गों ने इसको लगाया था यहाँ जब ये जो देव प्रथा चली थी, और हमारा भी इसमें कर्तव्य बनता है कि इसको हम आगे तक निभाएं, और आगे जो जनरेशन है छोटे छोटे हमारे छोटे भाई है वो भी इसको आगे तक ले जाए। देख सकते हैं आप ये जो फूल की कलियां हैं सुमन की कलियां, और चाचू अभी तोड़ रहे हैं सुमन, मैं चलूँ अपने पूजा स्थल में। और ये आप देख सकते हैं देवेश्वर बिट्ठू नारायण जी के मोहरे देख सकते हैं आप, और ये महादेव और माता तुंगेश्वरी और गटोत्कच जी और प्रथम पूज्य गणेश जी। सो गाइज, मैं ना सुबह आया था 5 बजे यहाँ पूजा की, तो उसके बाद फिर मैं सो गया था, फिर अभी उठा तो उतने को खबर आई कि नुकसान हो गया पड़ोस में, तो फिर वहाँ गया था, फिर अभी मैं यहाँ पहुँचा। तो
ये देख सकते हैं आप गाइस, ये मैंने ना सुबह जब मैं 5 बजे उठा था तब मैंने उसके बाद ये जो कलियां थी इनको मैंने निकाला है। तो अब इनको ना इसमें पिरोएंगे, तो आपको मैं पूरी प्रोसेस दिखाऊंगा गाइस। तो गाइस मेरे साथ आज प्रवीण है, प्रवीण को मैं पहली बार बनाया तूने कभी? नहीं बनाया। तो इसको ना पहली बार मैं बता रहा हूँ कि इसको कैसे बनाया जाता है, ताकि ये जब बड़ा हो जाए तब इसको थोड़ा आइडिया रहे कि कैसे ये जो फूल है इसको तैयार किया जाता है। और विठू नारायण जी का सबसे प्रिय फूल सुमन का फूल, और जो तुलसी का फूल होता है वो फूल सबसे प्रिय फूल है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं विठू नारायण जी। तो गाइस आप भी कल ज़रूर आइए खाची फूल को और दर्शन कर लीजिए विठू नारायण जी को। तो गाइज पहले मैं अकेला बना रहा था, अब यहाँ से जा रहे 4 फूल, ये केडी का, ये भूषण का, ये चाचे का। तो अभी देख सकते हैं, अभी मेरा आधे से भी आधा हुआ, 1/3। नहीं नहीं हो जाएगा 1-2 घंटे में। अभी इनका तो अभी काम स्टार्ट चला है इनका, देखते हैं। इनको तो काफ़ी टाइम लगेगा हमसे भी ज़्यादा। ऑलमोस्ट मैंने अपना तैयार कर लिया, बस थोड़ी सी कमी है इसमें, ज़्यादा नहीं तो 20 कलियाँ और लगेगी इसमें। भूषण के अभी भूषण कितना टाइम लगेगा? और आधा घंटा और लगेगा, क्योंकि भूषण ने ना थोड़ा लेट स्टार्ट किया था काम। और ये देख सकते कैसा बना फूल, अभी मैं आपको पूरा रिव्यू बताऊंगा इसका पूरा, जब हमारे जो 4 फूल तैयार हो जाएंगे उसके बाद बहुत ही अच्छा व्यू मिलेगा देखने का। मिलता हूँ मैं थोड़ी देर बाद। और गाइस सुबह से खाया कुछ नहीं है, कल रात का खाया है, तो भूख भी बहुत ज़्यादा लगी। अब बस जैसे ये तैयार होगा उसके बाद हम खाना खाएंगे। और अभी इस टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट 2:30 बज चुके हैं और प्रवीण आ गया फिर से। तो फाइनली गाइस ये देख सकते हैं हमारा जो फूल है तैयार हो चुका है। लगभग 3 घंटे लगे इसको बनाने में हमें, तो सुबह से हमने कुछ खाया भी नहीं। अभी टाइम हो चुका है 3, तभी हमारा जो काम है कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम भोजन करेंगे, और आज शाम को होते हैं हमारे होते सिड्डू, तो आप सब लोग आ जाना सिड्डू खाने। और कल है लक्ष्मी नारायण जी का फूल, तो कल जाएंगे हम सुबह और इस फूल को लेके जाएंगे ऊपर बटवाड़ा। तो बंटवारा से देवता जाएगा शाम को खाची में, खाची में बहुत बड़ा होम होगा, तो बहुत सारे लोग आते हैं वहाँ। तो इस फूल के बारे में आपको मैं बता दूँ, ये जो फूल बनता है ये सिर्फ हमारी जो चिमनहार है यहाँ बनता है, बीटू और जो हम लोग
हमारे गांव के जितने भी लोग हैं वो सब ले जाते हैं देवता लक्ष्मी नारायण को इस फूल को, क्योंकि ये देवता लक्ष्मी नारायण का बहुत प्रिय फूल है। और अगर कोई किसी भी घर से अगर ये फूल नहीं जाता तो देवता नाराज हो जाता है, तो इसलिए जितने भी गांव वाले सब बना के ले जाते हैं इस वाले फूल को। तो ये है इस फूल की विशेषता। और अब अभी आगे क्या होना चाहेंगे भूषण जी? अब जाते जाते कहेंगे शक्ति शाही काली शाही आई भारी बड़ा ताची मौकड़ी आई बस। तो अब हम खाना खाएंगे, उसके बाद इस ब्लॉग को हमारे गाइड करवाए क्या बोले पीसिंग जी भाई पीसिंग भाई पीसिंग जी देखिए देखिए। तो अब इसको हम यही क्लोज करते हैं इस ब्लॉग को, काफी लंबा हो गया है। तो इसके बाद हम जाएंगे अब रोटेली की तरह वॉलीबॉल खेलने क्रिकेट ग्राउंड, जैसे ही 4 बजे है तो हमारा जो काम गाँव में शुरू हो जाता है वॉलीबॉल खेलने का। तो आज भी खेलेंगे इसको, तो शाम को जाएंगे आपको ब्लॉग बनाऊंगा अगर मेरे को टाइम लगा तो। बाकी फिर कल का तो बहुत जबरदस्त ब्लॉग बनेगा। चलो दोस्तों, चलो जय भोलेनाथ, जय लक्ष्मी नारायण, जय हो विठू नारायण।